फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने एक बार फिर से लाया हूं हिमालयन, जो कि देख सकते हो आप, और साथ में है मिच्योर। और अभी अभी मैं शॉप जस्ट ओपन ही करी है और उससे पहले भैया खड़े हैं। भैया कहां से हैं वो बताता हूं, भैया से पूछते हैं और उसके बाद करते हैं गाड़ी को अंदर, फिर करते हैं काम स्टार्ट, फिर बताते हैं क्या क्या इनके अंदर होने वाला है। तो भैया आप कहाँ से आए बेसिकली? हम देहरादून से आए हैं और हमने आपके बारे में बहुत सुना है तो हमने सोचा क्यों ना आपके पास आकर अपनी बाइक में काम करें। आप बताएं सर। बताए क्या, एक महीने से लगा होता है कि राजू भैया है SKD के पास जाके बाइक मॉडिफाई करानी है। प्लान तो हमारा, मतलब ये मान लो आप कि 6-7 महीने से है, बट आज एक सपने के रूप में ऐसा लग रहा है कि सपने के तौर पर, मतलब किसी भी बाइक लवर का एक सपना होता है, बिल्कुल सपने के रूप में जो ऐसा लग रहा है कि सपना आज सच हुआ है। तो बस अब देखते हैं आगे का कैसे आज रहता है। तो भैया आप आए कहाँ से वैसे बेसिकली? देहरादून से, उत्तराखंड। कितने बजे चले थे रात को? हम 7 बजे। और कितने बजे पहुँच गए करोलबाग? 1:30-2 बज गए थे। 2 बजे भैया करोलबाग पहुँच गए, उन्होंने होटल में स्टे किया और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भैया का कॉल आया कि भैया कितने बजे आ रहे हो, तो मैंने कहा आ जाएंगे 8:30, बट थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन यह है कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि भैया जितनी जल्दी शॉप खोल सकते, तो हमने आपकी प्रायोरिटी पहले है कि आप जितने बजे आना उतने बजे शॉप ओपन कर देते हैं। अभी देख लो, जस्ट शॉप का शटर ओपन किया है और वीडियो स्टार्ट कर दिया हमने और अब गाड़ियां लेते हैं अंदर, फिर देखते हैं कि किस किस के अंदर क्या है। वैसे इसके अंदर तो मुझे पता है ये तो फुल लोड है, ये जो मिच्योर है ना, ये अभी का सिनेरियो इसका देख लो कैसी है, और जब ये जाएगी ना तो आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। ये अभी इस तरीके की, तो ये है अभी का सिनेरियो और अभी करते हैं इनको अंदर, फिर दिखाते हैं इनके अंदर क्या क्या हम कर रहे हैं धीरे धीरे। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये जब आई थी बाहर तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गई थी। अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के अंदर हो चुकी है, जैसे कि हैंड गार्ड देख रहे हो ये लग चुके हैं, क्रैश गार्ड इसमें लग चुका है और इसमें बहुत कुछ इसके अंदर लगना बाकी है। ये देखो सेंट्रल लॉक इसका लग चुका है ऑलमोस्ट। इधर आपका देख सकते हैं मोबाइल होल्डर, हॉर्न, हैजार्ड, ये आपका फॉक्स लैडर, ये आपका फुट रेस्ट, फॉग लैंप विद हार्नेस, आपके ये हो गए आपके शॉकर कवर जो कि यहाँ पे लगेंगे, और भी इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। सेडल स्टे निकल चुके हैं, ये आपका इसका टॉप रैक निकल चुका है और अभी इसके अंदर पैनियर और आपका टॉप बॉक्स वगैरह ये सब भी इसके अंदर लगेगा भी। तो वीडियो बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने राजू भाई SKD को। देख सकते हैं धीरे धीरे बीच में अपडेट देते जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो चुका है। हैंड गार्ड मतलब भी दिखाया थोड़े पहले, अब इधर फॉग लैंप देख सकते हैं ये इसके अंदर फिटेड हो चुकी हैं और जो इसकी हार्नेस है उसकी फिटमेंट चालू है, देख सकते हैं। और ये इसका स्विच होता है इसका हार्नेस वाला, और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भैया के मन में था वो मैंने क्लियर करा अभी। देखिए ये भैया के हॉर्न लगे हुए थे जो कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ये लगवा रखे थे भैया ने, बट हमने लगाए हैं ये वाले। वीडियो को एंजॉय करिए, इसमें बहुत सारा काम चल रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना यार आपके अपने राज भाई SKD को। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये आई थी देहरादून से और मैंने आपको पहले का लुक कुछ चेकआउट किया था, आफ्टर बिफोर थोड़ा सा पहले जज कर लीजिए कि आफ्टर बिफोर में क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको। मुझे पता है अभी पूरा जहाज लग रहा है उड़ने को तैयार है, क्योंकि ये हो गई हमारी मोस्ट लोडेड, इंडियाज मोस्ट लोडेड मिच्योर जो कि है, ये पहली होगी शायद मेरे चैनल पर, शायद अदर चैनल पर मेरे हिसाब से। मैं किसी के कोई कमेंट ना करे कि भैया मैंने तो कर रखा है, लेकिन हमने यहाँ पर फर्स्ट ये है क्योंकि ये देहरादून से बाइक, और भैया ने साफ बोल दिया था कि इसमें एक भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। तो मैं पहले दिखाता हूँ मैं स्टार्टिंग के इस पे स्टार्टअप क्या है। तो भाई साहब पहले तो मजाक नहीं, फ्रंट का लुक चेकआउट करो, आपने हिमालयंस वगैरह तो बहुत देखे मेरे पास, बट ये जो लुक दिख रही है ना आपको भाई साहब एक नंबर, ऑसम ऑसम ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम जो कि है ना, वो बहुत ही चार्मिंग लुक लग रही है इसकी। पहले ना जो मेरे को अच्छा लगा वो दिखाता हूँ, ये देखिए इसका जो लाइट का जो लुक है ना भाई साहब, वो देखो अभी ब्लू था, देन आपका स्टार्टिंग में क्या हो गया वाइट, ब्लू और वाइट, और अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर और बहुत सारे मोड्स। पहले करते हैं स्टार्ट, ये देखिए ये हो गया स्टार्ट, और अब इसके अंदर दिखाता हूँ आपको और डिजाइंस। अभी देखो येलो हो गया वाइट, येलो वाइट, और ये हाई लो और थ्रो इसका काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, बहुत ही ज़्यादा विजिबल है इसका थ्रो। अब करते हैं एक बार फिर से बंद इसको, और एक बार बंद करके दोबारा से आपको दिखाते हैं इसका जो दूसरा लुक था ना ब्लू वाला, वो वाला, क्योंकि थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। देखिए ये एक देखा लुक, देखो भाई साहब मज़ा आने वाला है।
लाइट काफ़ी अच्छी है, लुक काफ़ी अच्छी है, और भाई साहब लाइट पे ही दिला गया, अब आगे स्टार्ट करते हैं पहले, नहीं तो कहीं एक ही बैठक गया। देखो ये है इसका जो कि है वाइजर नॉट आरी, ये हमने बनाया यूनिवर्सल वाला, ये किसी भी बाइक पर अपना इजीली फिट होता है, तो जिसमें आरी लिखा होता है ना वो क्या होता है जस्ट फॉर आरी का ही होता है, बट ये हमने यूनिवर्सल वाला बनवा दिया इसके लिए वाइजर, जो कि लुक आप चेकआउट कर लो, आप चाहो तो उस पर कुछ भी लगवा सकते हो, लिखवा सकते हो, वो आपकी मर्जी। बट और एक ना एक चीज़ और दिखाना, आप स्टार्टिंग में आई थी ना तो जो भैया ना वाइजर फिट कराया था तो उसकी फिटमेंट में और उसकी फिटमेंट डिफरेंसेस देखिए, ये आपका पूरा प्रॉपर फिटिंग आप ये देख सकते हैं, आपको इधर भी सेम इधर, और जो पहले था तो पहले ही काफ़ी था, पीछे था तो वियर्ड लग रहा था, जैसे कि भैया कहते कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, कोई और देखो, मैंने कहा नहीं हम लगाएंगे यही, बट इसकी जो फिटमेंट है वो चेंज करेंगे और लुक इसकी इनहेंस करेंगे इसी से ही, जो कि इसके अंदर को देखने मिला, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये, लो क्वालिटी नहीं है ये। और अब इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर इंडिकेटर बल्ब, ये देखिए इंडिकेटर बल्ब ऐसे नहीं दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, देखिए ये है इसके इंडिकेटर बल्ब जो कि लगाया है सिमटेक ओरिजिनल, जिसकी मिलती है पूरे के पूरे 3 साल गारंटी, वो भी विद कार्ड, जब भी खराब हो कार्ड आप फेंकिए हमारे पास, कार्ड हमें दीजिए, हम करेंगे सीधा आपको हैंड टू हैंड चेंज, क्योंकि 3 साल की गारंटी है, काउंटर प्लेसमेंट कहीं भी ऑल इंडिया, सीधा सामान के साथ कार्ड भेज दीजिए, आपको जहाँ कहो वहाँ इसकी डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में मिलता है आपको हैज़ार्ड, ये भी आपको सिमटेक का हैज़ार्ड, इसकी मिलती है पूरे 1 साल की गारंटी, पूरे 1 साल की गारंटी, और देखो पैटर्न देखिए राइट लेफ्ट जितना मर्जी, ये देखो पैटर्न्स वाओ, जितने मर्जी कर दो इसे 20-30 पैटर्न इसके अंदर आपको मिल जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग के साथ। और अब आपको दिखाता हूँ और भी कुछ लुकिंग है, वैसे सब टेंशन मत लीजिए, आइए नहीं चाहिए, ये देखिए ये है इसके फॉक्स लाइटर जो कि आपको देखने मिलते हैं, इससे बेसिकली लुक तो इनहेंस हो ही जाती है, बट साथ में क्या होता है ये आपके शॉकर्स वगैरह को करता है सेव, जब भी गाड़ी टक्कर लगती है या फिर कोई भी छोटी मोटी लगती है गिरती है तो आपके शॉकर करता है पूरे से प्रोडक्ट, साथ में आपके डिस्प्ले ABS प्लेट ये भी होते हैं इससे सेव, और इधर देखेंगे तो इधर आपका शॉकर ही है तो शॉकर सेफ हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो दिखाएंगे आपको शॉकर रबर जो कि आपको कुछ देखने को मिल जाते कुछ इस तरीके से, जो अंदर का पोर्शन से खाली था ब्लैंक था उसको भर दिया गया, ये लग गई है इसकी शॉकर रबर शॉकर कैप कुछ भी कह सकते हो आप, लुक देख लो इससे काफ़ी एनहेंस हो चुका है लगने के बाद। अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ नीचे आपको देख लो दिन मिल रही है, देख लो ऑल हार्नेस वाली उसके अंदर मिलती है आपको फॉग लैंप जो कि HJG ओरिजिनल, ये अपनी HJG और पहले ना फिटमेंट दिखाते हैं, देखो इसकी फिटमेंट देखिए ये 0-0 फिटमेंट है आपकी, इसके अंदर क्लैंप्स हैं इसके अंदर फिट कर देगी जो कि मेच्योर के ओरिजिनल है, जेन्युइन क्लैंप है जो इसके अंदर फिट किए गए हैं, सेम इधर मिलता है सेम आपको मिलता है इस तरफ, तो लुक चेकआउट करो दोनों की। और अब मैं दिखाता हूँ इसकी रोशनी, क्योंकि बड़ी देर से कह रहा हूँ यार बोले जा रहा दिखा नहीं रहा, अब दिखाता हूँ पहले आपको इसकी रोशनी, चलो जी करते हैं स्टार्ट। ये देखिए ये आपका हो गया ऑन, देन ये है आपका येलो और ये आपका वाइट एंड ये आपका येलो वाइट और ये आपका फिर से येलो। और अब दिखाता हूँ अदर पैटर्न्स, ये देखिए ब्लिंक मीन्स हैज़ार्ड, हैज़ार्ड 1 पैटर्न, हैज़ार्ड 2 पैटर्न, हैज़ार्ड 3 पैटर्न, हैज़ार्ड 4 पैटर्न, हैज़ार्ड 5 पैटर्न्स, तो इसके अंदर भी मिलते हैं आपको पैटर्न्स, पैटर्न्स की भरमार है इसके अंदर, क्योंकि ये है अपनी हार्नेस वाली फॉग लैंप, और जरूरी नहीं खाली येलो के अंदर होगी, अपने दूसरा भी देखिए ये आपका कलर चेंज, देन इसमें भी आपका हैज़ार्ड वर्किंग एंड इसको ऑफ करते हैं, अब दिखाते हैं आपको तीसरा, ही देखिए ये आपका येलो और वाइट, इसमें भी आपको करते हैं हैज़ार्ड पैटर्न ऑन, ये देखिए देखो ये है, इसे कहते हैं चैनमन लाइट, रोशनी जबरदस्त रोड प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है इसे, क्योंकि भैया ये HJG ओरिजिनल और लगाया किसने राजू भाई ने, तो आपको समझ आ गया होगा इसका सब कुछ। अब आपको फ्रंट से स्टार्ट हुआ लेमिनेशन का, क्योंकि ना ये बहुत गंदा सा लग रहा है क्योंकि अभी ना इसमें उतार ही नहीं है, देखिए अब मैं उतार ध्यान से मेन लुक क्या है इसकी, ये देखिए इसे कहते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड लुक, जो भैया लाए थे तो काफ़ी पुरानी थी, बट अब देखो लेके जा रहे हैं नई हमारे पास से, ओल्ड लाओ नई ले जाओ, ये फैशन शुरू कर दिया राजू भाई ने, तो देख सकते हैं आप लुकिंग ज़बरदस्त। और अब ना एक बहुत देर से मेरे हाथ में चीज़ आ गई है, मैं दिखाता हूँ पहले इसका, बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बने रहना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा होना और इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान रखना इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड हैं। पहले दिखाता हूँ रिमोट्स, ये देखिए ये इसकी फ्लिप की, तो ये है इसका चक्कू जो कि आपकी चाबी को बनाएगा इसके साथ में, अब जो करते हो पहले दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या बोले तो ये है आपका लॉक, लॉक दिख रहा होगा, लॉक मीन्स लॉक, इग्निशन लॉक नहीं हुआ, टेंशन मत लो, बता दो क्या लॉक हुआ है, लॉक हुआ है इसके से किस कोई भी आपको गाड़ी को टच करेगा छेड़ेगा तो ये बोले भैया हट जा वरना मैं इसके मालिक को जगा दूंगी, बंद हो जाएगा ज़्यादा देर नहीं थोड़ी ना बंद हो जाएगा अपने आप, मैं खुद ही करूँगा इसको, आपको पता है कितनी देर तक ये बंद होता है, देन बंद हो गया। और ये चोरों को करता है सावधान कि बेटा भाग जाओ वरना तुम्हारे पापा है ना अभी उठ जाएंगे तो तुम्हें उठ पकड़ लेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका, आप देखिए
आपको अनलॉक करना है तो वैसे तो दोबारा फिर कोई चढ़ेगा तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। 30 सेकंड का समय होता है आपको बंद करना, तो ये आपका हो गया अनलॉक, देन आपका हो गया क्लोज बंद। और अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक और पैटर्न जो कि होता है पार्किंग मोड्स। ये देखो ये ना ये आपका जो मोड है इसको ऑन कर दिया आपने, मतलब आपकी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी है, जैसे मान लो पार्किंग वगैरह में क्या होता है आप लोगों ने खड़ी तो करी है इसको होने पर, बट पार्किंग वाले क्या करते हैं अदर साइड की जगह खड़ी कर देते हैं क्योंकि लॉक लगाते नहीं हैं, अनलॉक करके खड़ी करनी पड़ती है, मजबूरी होती है वहाँ पर, तो वो उनकी वजह से इसको लॉक अनलॉक करके खड़ी करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कहीं खड़ी कर दी, अब आप आए यार मेरी तो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, बट यार यहाँ तो है ही नहीं भैया, पार्किंग वाला भैया बताना है बाइक कहाँ है, भैया ढूंढ लो खड़ी हो गई, आपको पता ही नहीं क्या है, तो आपने क्या कहना कुछ नहीं कहना। देखो ये बटन दबाएंगे आपकी बाइक वहाँ से बोल रही है, मतलब आपकी बाइक खड़ी है, समझ गए। तो ये इसका बटन है, आपको बंद, ये हो गया बंद, मतलब बंद सब कुछ पूरा आपका हो गया नॉर्मल जो होता है। अब एक और जो डिसेंट है वो दिखाता हूँ, डिसेंट इसके अंदर क्या रिमोट के देखिए, ये आपका ज़िगज़ैग का जो साइन है ना, इसे बहुत से लोग बिजली कहते हैं करंट कहते हैं, बट मैं ज़िगज़ैग ही बोलता हूँ, ये मेरी आदत है, कोई कुछ भी कहे मेरे को जो बोले मैं बोलूँगा। ये देखिए डबल प्रेस करेंगे इसको, ये देखिए ये हो गया स्टार्ट, इसे कहते हैं जादू, ये इसका जादू एक्टिवेट हो चुका जो कि आपको देखने मिला। जरूरी मैच्योर हो आपकी कोई सी बाइक हो कोई सी भी स्कूटी हो, राजू भाई सबके अंदर ये इंस्टॉल कर देता है। और अब करते हैं इसको ऑफ, इसी से ही देखिए हो गया ऑफ, इसे कहते हैं जादू। इसमें दो मिलते हैं आपको, एक मिलता है आपको, एक मिलता है आपको ये वाला, दो आपको मिलते हैं इसके अंदर, आप कोई भी अपनी चाबी के साथ बनवा सकते हो, इजीली बन जाती है। अब लगाते हैं इसको फिर बताते हैं और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यार प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि काम इतना सारा है ना, और आप लोगों को वन वीडियो में ही पूरा सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या चाहिए आपको। अब दिखाता हूँ आपको हैंडल राइजर, ही दे ये है इसके मैच्योर 350 के हैंडल राइजर जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इससे क्या होता है नॉर्मल जब राइड करते हैं ना तो क्या होता है हैंडल नीचे होता है काफ़ी, यहाँ पर शोल्डर दर्द होते हैं, तो शोल्डर पेन ना हो उस कारण से लगा दे गए इसके अंदर हैंडल राइजर। हैंडल राइज भी हो गया आपके पास भी आ गया, अब आप कंफर्टेबली इजीली राइड कर सकते हो सेल लगाने के बाद। और ये मिलता है आपको ओरिजिनल मोटो जिंसर, लोकल नहीं मोटो जिंसर ओरिजिनल होगा ये। अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ये इसका हैंड गार्ड। अब आप लोग सोचते हो यार हमेशा हर बाइक के अंदर यही क्यों लगाते हैं, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ ये क्यों लगाते हैं। इसको लगाने का जो लॉजिक है ना वो सिंपल सा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो आंधी हो तूफान हो, आपके हाथ भी बचेंगे और समझ लो ना तो ठंड में ठंड नहीं लगनी, गर्मी में गर्मी लगनी, क्यों क्या होता है ठंड में शीतलहर चलती है तो हाथ ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और गर्मी में लू चलती है तो आपके हाथ ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो सबसे बचा लिया आप बात बारिश की या ओले की, कुछ भी पड़ता है तो आपके हैंड को पूरा प्रोटेक्ट, देखिए इधर आइए क्लोज नहीं करके देखिए, ये होता है बेनिफिट, कहीं से कहीं तक आपका हाथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आपके हाथ में, क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज़ के लगा दिया गया इसके अंदर, आपको देखने को मिला कुछ इस तरीके से। लुक चेकआउट कर ली मैंने आपको सारा दिया, हैंड हो गया प्रोडक्ट, और आपको जो अंदर लीवर है ना ये भी होता है पूरा प्रोडक्ट, फुल्ली प्रोडक्शन वाली चीज़ है ये आपको देखने मिलेगी आपको। और ये आपकी मेटल वाली रॉड जो कि करती है फुल सेफ, ये करती है आपको फुल सेफ, आप समझ चुके हो सेम इधर हो गया सेम आपको मिलता है इस तरफ, तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई सेफ। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर सिमटेक का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको ओरिजिनल, पूरा एक साल की इसकी भी गारंटी होती है आपको। और ये देख लें ये पूरा वाटर प्रूफ, ये आपका वाटर प्रूफ वाला जो आपको देखने मिल जाता है कुछ इस तरीके से जो कि आपको मिलता है सिमटेक ओरिजिनल। अब आपको मिलता है इसके साथ में क्या, ये है इसके मिरर जो कि पहले इसमें लगे हुए थे तो रॉयल इनफील्ड वाले लगे हुए थे, बट हमने वो हटाकर हमने कर दिए हैं इसके जावा वाले मिरर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं जो कि ये होते हैं आपके रोटेट, जैसे मर्जी आप इसको रोटेट कर सकते हो इजीली, और पूरा व्यू इसके अंदर नज़र आता है, व्यू पूरा इसलिए नहीं रखो काफ़ी बिग साइज के अंदर है, सेटिंग आप जहाँ मर्जी इधर कर लो उधर कर लो नीचे कर लो जहाँ मर्जी आपको जहाँ सेटिंग लगे वहाँ सेट कर सकते हो। सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ दोनों तरफ देखने मिलेगा आपको। और इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, वो है इसकी लैमिनेशन जो मैंने आपको उधर दिखाई थी ना, अब वही आए थे इधर, ये देखो इसे कहते हैं लैमिनेशन, पुरानी लाओ नई ले जाओ, ये देखो ये है लैमिनेशन इसकी ज़बरदस्त क्वालिटी, देख सकते हैं आप पुरानी लाए थे भैया नई दे रहे उनको। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं ये है इसका मास्टर सिलेंडर का जो देखने मिलता है आपको, एक इधर और एक मिलता है आपको इस तरफ, ये मास्टर सिलेंडर कैप से जो कि लगा देंगे, इससे आपके क्या होता है सेफ्टी होते साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड, ये है इसका क्रैश गार्ड जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का क्रैश गार्ड है इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, जिससे आपके लैग सेफ होते हैं और आपका टैंक आपका हैंडल सब कुछ होता है पूरी तरीके से, फुल्ली सेफ्टी वाले फीचर जो है इसके अंदर लगा दिए गए हैं। लुक चेकआउट कर लो, साथ में स्लाइडर भी लगा दिए गए हैं जिससे अगर कभी भी आप थक जाते हो तो आप इस पर पैर रख के थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो, चाहे इधर पर रख लो चाहे इधर पर, रेस्ट वाली भी चीज़ आपके साथ दी गई है सेम इधर मिलेगा, सेम आपको मिलता है इस तरफ, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी टॉप क्वालिटी है जो इसके अंदर लगा दिया गया है। और अब आपको दिखाऊंगा इसके अंदर फाइव फीचर
फीचर बोले तो इसके अंदर 5 फीचर हैं, एक छोटी सी लाइट के अंदर है, तो ये मिनी ड्राइव, बट मिनी ड्राइव का नाम है इसका, लेकिन काम बहुत ही बड़े बड़े करती है। दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर करते हैं चाबी ऑन, और अब आपको दिखाता हूँ इसकी रोशनी। देखिए ये हो गया आपका वाइट रोशनी, ज़बरदस्त अल्टीमेट। साथ में आपको मिलेगा इसके अंदर येलो, फिर मिलेगा आपको येलो वाइट, फिर मिलेगा आपको वही हैज़ार्ड पैटर्न। देखो एक छोटी सी लाइट में भी कितना दम है, समझ रहे हो। इसे कहते हैं प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट, जो कि मिलता है आपको अपने राजू भाई के पास। तो अब आपको एक और दिखाता हूँ इसके अंदर, ये तो 4 पैटर्न हो गए, अब पाँचवा दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक्साइटेड हो, मुझे पता आप एक्साइटेड हो। इधर ये है इसका 5वां पैटर्न, समझिए। इसे कहते हैं डेविल लाइट्स, ये आपका डेविल लाइट जो नाइट में राइड करने पर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, काफ़ी लुक को इनहेंस करती है, तो भाई साहब ज़बरदस्त लुकिंग। अब करते हैं इसको बंद, और अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या। आइए नेक्स्ट आइटम, ये देखिए ये इसके फुटरेस्ट जो कि आपको देखने मिलते हैं रॉयल इनफील्ड के, इधर भी सेम मिलता है आपको उस तरफ, और सेम मिलता है आपको बैक साइड में। मतलब भैया पता क्या है, भैया कह रहे मैं तो कंफर्टेबल हूँ, बट पीछे वाला को फुल कंफर्टेबल करना फील कराऊंगा, क्योंकि भैया ये 2 लगाएंगे ना, सिर्फ आगे वाला कंफर्टेबल हो चलाएगा। बैक साइड में लग गया तो बैक साइड वाला सेफ्टी होगी पूरी, और ये मिलता है आपको ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड के जो देखने मिलेगा। चारों लगा दिए गए हैं, लुक भी नहीं है, साथ में सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है राइडिंग करने वाले की, साथ में प्लेन राइडर की भी हो जाती है इसके अंदर। और अब आपको इसके बाद फिर से ही हटा देते हैं, क्योंकि ये सारा जो गंद है ना, ये हमने सिर्फ इसलिए लगा रखा था कि हटाया था कि भैया आप लोग पता भी तो लगना चाहिए ना काम कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए नीचे आइए, ये है इसका सम गार्ड जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। सम गार्ड इससे क्या होता है, जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना जो आपकी जाती है इंजन को गंदा करती है, और जब जम जाती है मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा डीट हो जाती है, वो हटती नहीं है। इसे लगाने के बाद समझ लो वो लगने वाली है ही नहीं, इस पर लगे तो आप इसे साफ़ कर लो, कपड़ा मार लो, पानी मार लो, तो ईजिली क्लीन हो जाएगी आपकी। और इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो कि मिलती है आपको हॉर्न, इसमें लगाया है मैंने हॉर्न, जो पहले मैंने दिखाया था ना आपको गोल्डन गोल्डन, भैया गोल्डन ज़्यादा पसंद थे, कह रहे मेरे हॉर्न क्यों हटा दिए। मैंने इसलिए हटाया क्योंकि लुक काफ़ी ख़राब हो रही थी उसकी, क्योंकि जब भी आप अपनी बाइक में हॉर्न लगवाते हो ना तो बाइक से मैचिंग जरूर, मैचिंग बोलते हो आप, ये मतलब येलो है तो वो गोल्डन चलेगा नहीं, वो नीचे का पार्ट है ब्लैक पार्ट, ब्लैक पे सिल्वर अच्छा लगता है, क्योंकि ओरिजिनल जो कंपनी देती है ना वो आपको सेम कलर का देते हैं ये वाला हॉर्न। और ये आपका हेला के ओरिजिनल जो मैंने लगाया वेव 95, इसकी सुनाता हूँ आपको साउंड, ज़बरदस्त साउंड है इसकी भी, जब रोड पर निकलोगे ना तो आपको साइड ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और अब आते हैं बैक साइड के अंदर, मुझे पता है आप लोग कह रहे हो इतना कुछ लगा रखा है बट अभी आगे अटका हुआ है। आप पहले पीछे का व्यू चेकआउट करो इसका, पीछे का व्यू चेकआउट कर लो कि कैसा आ रहा है इसका। ये जो व्यू है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हो गया फुली टूरिंग मोड्स, फुली टूरिंग मोड्स ये बन चुकी है बाइक। जब भी अब जाएंगे भैया, क्योंकि भैया ने जल्दी प्लान कर रखा है जाने का, क्योंकि एक महीने से वेट कर रहे थे मेरे पास आने, टच में थे कि भैया मैं आऊँगा तो आप ही से काम कराऊंगा, मैंने कहा डन, जब भी आओ आप मुझे बता देना, तो भैया पूरा करते हैं लोड। ये हैं इसके पैनियर्स, और आपको ना एक इन पैनियर की और टॉप बॉक्स की खासियत बता देता हूँ, शायद जो दूसरी मैंने लगाया ना, एक तो ये इंडियन है सबसे पहली बात, नॉट इम्पोर्टेड, ये है इंडियन, और ये लगा लो हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसकी आपको मिलती है पूरी गारंटी, पूरी गारंटी बोले तो इसमें कुछ भी इसके रिपीट्स वगैरह ये वो कुछ भी लॉक बॉक्स सब कुछ, कुछ भी अगर इसका निकलता है ख़राब होता है ना तो वो मैं इसका फ्री करवा के दूंगा, क्योंकि अपना खुद का है सारा सामान हमारा अवेलेबल है, इसका टॉप बॉक्स का भी और साथ में पैनियर्स का भी, ये सारा हमारा खुद का है। और भैया गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा खुद का है। और दूसरी बात, अगर जो ना किसी को चेक करना हो तो इम्पोर्टेड ले आना, मैं खुद भी चेक करा दूंगा और मैं आपको ये चेक करा दूंगा, इसका वेट और साइज़ दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं। ये आपका 50 लीटर का, नॉर्मली 45 लीटर का होता है बट ये है 50 लीटर का, ध्यान रखें 50 लीटर, 45 के प्राइस के अंदर, ये भी ध्यान रखना 45 के प्राइस के अंदर, काफ़ी वेट है इसके अंदर, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। नॉर्मली जो लोग अमूमन लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, बड़ी बात नहीं है, बट क्या कुछ स्पेशल कस्टमर होते हैं जिनके लिए स्पेशल चीज़ लगाई जाती है, जो कि मैंने इसके अंदर लगाए हैं। और अब आपको दिखाता हूँ डिटैचेबल कैसे होती है, मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है डिटैचेबल जो कैसे निकल, देखिए ये लॉक खुल गया, अब ये निकलेगा बाहर, दिखाना भाई निकालो इसे कैसे निकलेगा, ये लॉक ओपन एंड ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया देखिए। और प्लेट देखिए, इसकी प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हल्की नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है। और ये मिलता है आपको स्टेनलेस स्टील पेच, मिलते हैं इसके स्टेनलेस स्टील, और क्वालिटी एक नंबर है भाई साहब, इतनी हैवी प्लेट भी कहीं नहीं मिलती है। अभी साइड के भी दिखाया था आपको, साइड के किस तरीके से निकलते हैं देखिए, ये देखिए ये ओपन और ये यहाँ से निकलने वाला है, ये लो ये आपका निकल गया। अब आपको कहीं नहीं जाना, अब आपकी बाइक हो गई बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल बाइक बन गई, सैडल स्टे लगे हुए हैं एंड आपकी फिटिंग लगी हुई है,
अब आप कहीं भी आप इसे रख कर अपनी बाइक को नॉर्मल सिटी राइड भी कर सकते हो इससे। तो सिटी राइड की बन गई आपकी बाइक। अब मैं दोबारा से लगा दूँ, डिटैचेबल से निकल गए, अब इन्हें लगाते हैं और लगाने के बाद फिर मैं दिखाऊंगा इसकी कैपेसिटी कि इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है अंदर, और फिर मैं दिखाऊंगा इसके अंदर जो इसकी जो अंदर का जो मटेरियल लगा हुआ ना वो कैसा है। तो ये आपका हो गया इसके अंदर दोबारा से फिट, और टॉप रैक वगैरह मैंने नीचे भी देखा, नीचे भी काफ़ी अच्छा बढ़िया प्रीमियम और टॉप रैक लगा रखा था इसके अंदर। अब आती है बात स्पेस की, देखिए पहले तो स्पेस चेकआउट कर लो, जो 50 लीटर है मतलब 50 लीटर पूरा है ये, 45 नहीं है ये। और जो इसके अंदर की जो है ना ये देखो, तो जो अंदर इसकी जो ले लगाई गई ना देखो काफ़ी हैवी है, काफ़ी प्रीमियम है जो आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, सेम इधर। और जो ना इसका जो MM होता है ना वो होता है आपका 1.5 MM का। वैसे नॉर्मली क्या होता है 1.5 MM का नहीं होता, 1 MM में बने होते हैं, पर ये है आपका पूरा 1.5 MM का। तो लुक चेकआउट कर लिया आपने इसके अंदर से कि इसमें कितना हैवी इसके अंदर वो लगी हुई है फोम वगैरह जो भी है इसकी, लेदर जो शीट कहते हैं इसको। और अब इसको करते हैं बंद, आपको पैनियर की भी दिखा देता हूँ आपको। आइए ये देखिए, ये आपका पूरा 38 लीटर का है, नॉर्मली 36-37 मिलता है बट ये 38 लीटर का है। सेम इसके अंदर ही वही मिलेगा, फुल्ली हैवी क्वालिटी के अंदर देख सकते हो आप, बिल्कुल ज़बरदस्त जो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर। चाबी वगैरह सब इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्योंकि लॉक लगाएंगे भैया बाद में। तो आपने इधर का भी देख लिया, अब आपको उधर का भी दिखाया तो आइए ये देखिए, इसके अंदर भी देख लीजिए आप, काफ़ी सारा स्पेस है और भाई साहब चीज़ एक नंबर है। और एक बात और बताऊँ, अगर कभी ख़राब हो भी जाता ना इनके हिसाब का, तो ये मेरे पास अवेलेबल भी होता है, मैं आपको ये भी नया दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये बनता है हमारे यहीं पर ही, कोई टेंशन ले, ये मेड फॉर इंडिया है नॉट इम्पोर्टेड। अब इसको भी करते हैं बंद, ये आपको दिखाई दिया, अब आपको चेकआउट कराता हूँ इसके अंदर क्या एक और डिसेंट चीज़। पहले करते हैं चाबी, और ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये है इसके बुलेट इंडिकेटर, लेटेस्ट वाले बुलेट इंडिकेटर लगाए इसमें, लेटेस्ट वाले जिसमें आपको ना एक साइड इधर और एक साइड मिलता है आपको इस तरह। ये देख रहे हो रोशनी आ रही है नज़र, इससे क्या होता है जो प्लेन पीछे से जो भी राइड कर रहा है ना उसको दिखाई दे रहा है, इधर तो दिखाई दे ही रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है। मैं भी इसके अंदर अगर उसको नहीं समझ रहा तो आपका थ्रो इधर भी दिख रहा है, तो देख सकते हैं आप पूरा विजिबल है, फुल्ली विजिबल है। और जो नाइट में चलेगा ना, मैं नाइट करके दिखाता हूँ, रुक जाओ देखिए, अब देखिए आया ना सर, इसलिए मैं दिखा रहा था पूरे के पूरे आपका पीछे का इंडिकेटर को। जब बंदा राइड करता है ना, तो राइड करते हुए क्या होता है उसको इतना नहीं पता होता मैं कहाँ कैसे मोड़ रहा हूँ, पीछे वाला इतना ध्यान दे ना दे, तो उसको पूरा ध्यान दिलाने के लिए ये इसके अंदर लगा दिए गए ब्लिंकर्स जो कि हैं बुलेट इंडिकेटर। और अब करते हैं इसको बंद, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और चीज़ जो कि इसके अंदर साइस्टेंट जैकेट। ये देख सकते हैं ये इसका साइस्टेंट जैकेट, इसका जो यूज़ है वो बताया हूँ क्या होता है। इसका यूज़ ये होता है कि जब भी हम गाड़ी खड़ी करते हैं ना कहीं पर भी, एक तो सबसे पहले तो ना इसका जो स्टैंड होता है अंदर का वो घिसता रहता है, एक तो उसे घिसने के लिए स्टेनलेस स्टील वो घिसेगा नहीं, और दूसरा ये हो गया जब ये लगा देते हैं ना इसको, तो लगाने का मतलब ये हो गया कहीं भी खड़ी करते हैं तो कहीं भी कीचड़ होती है या फिर डस्ट वगैरह होती है, कुछ भी होता है रेत वेत, तो ये वहाँ पर स्टेबल खड़ी रहेगी, क्योंकि ये आपका हो गया क्या काफ़ी बड़ा साइज़ का, इजीली आपका स्टेबल खड़ी करने के लिए, तो ये इसलिए लगाया गया इसके अंदर। और अब मैं दिखा दूँ इसके अंदर ना एक चीज़ और, हेलमेट रख के दिखा दूँ, एक्सोर का ओरिजिनल हेलमेट के इसके अंदर कैसी कैपेसिटी होती है। ये देखो ये है नॉर्मल, ये देखिए अभी कितना स्पेस बचा हुआ हमारा, बहुत सारा स्पेस, ये अभी कम से कम 3-3.5 इंच का स्पेस बचा हुआ है। और अब मैं दिखाऊंगा आपको एक्सोर का, ये लीजिए ये एक्सोर का जो कि अमूमन राइडर्स लोग खरीदते हैं, जो कि भैया ने ख़रीदा है अभी, इसे करते हैं पैक। ये देखिए इसके बाद भी ना इसके अंदर स्पेस अभी है, आप और कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर, देख सकते हैं आप, इसको करते हैं बंद। ये आपका हो गया प्रॉपर सेटअप रेडी, ठीक है जी। हेलमेट की टेंशन खत्म, बाकी टेंशन खत्म, लगेज की टेंशन खत्म, सारी चीज़ की टेंशन हो गई खत्म, क्योंकि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया, इसमें सारा कुछ ऑल कंप्लीटेड है। दिखाता हूँ इसके अंदर एक बैक सीट भी लगाई, देख सकते हैं ये इसकी बैक सीट जो कि आपको देखने मिलेगी। अमूमन क्या होता है टॉप बॉक्स से साथ में एक्स्ट्रा आती है, एडिशनल आती है, जब भी लेना हो प्लेन राइडर को सेव करने के लिए, तो ये है इसकी बैक रेस्ट जो कि इसके अंदर लगा दिए टॉप बॉक्स के अंदर। तो ये थी इसकी मॉडिफिकेशन। अब बुलाऊँगा भैया को कि उनको हमारा काम कैसा लगा, क्योंकि भैया सवेरे किस बैठे हुए हैं, पजल हो चुके हैं, थक गए, हालांकि मैं थकने दिया नहीं है, थोड़ा इंटरटेन किया है मैंने, बट मिल लेते हैं पूछ लेते हैं। तो आइए भैया, तो हेलो सर, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको आपकी बाइक को देखकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा? मेरे ख्याल से ये सब हम मतलब हम मैं और मेरा दोस्त बैठ के सोचते थे कि कभी हम आएंगे और इतना सारा काम करवाएंगे, तो ये एक तरीके से जो सपना है वो सच हुआ है ऐसा लगता है।
और भैया की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, सुबह 8:30 बजे से लेके अभी तक इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है और इन्होंने कोई भी चीज़ हमें फ़ोर्स नहीं कराए कि ये लगा लो या ये लगा लो, बल्कि इन्होंने हमें अच्छे से सजेस्ट कराए कि कुछ चीज़ें जो हमें लगानी थी लेकिन वो हमारे लिए हमारी बाइक के लिए अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सजेस्ट करा कि इसे लगाना इसे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका ये नुकसान है या फ़ायदा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये ज़रूरी होता है बताना, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को ये होता है कि यार मैं ये भी करा लूँ वो भी करा लूँ, बट क्या होता है कुछ एडवांटेज होते हैं वो बता दिए, डिसएडवांटेज हर कोई नहीं बताता, बट हमारा काम प्रॉपर फिनिशिंग वाला काम है तो हम नहीं चाहते इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े भैया को या आप सभी को, तो इसलिए वो हमने सजेस्ट किया। और कुछ भैया के लिए मैं बहुत वो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारा बहुत मेरा और मेरे दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, हमें बिल्कुल घर की तरह महसूस करवाया जैसे हम अपने घर पर ही हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से हमारी जो बाइक मॉडिफाई करी है मेरे ख्याल से शायद कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो विजिटिंग के लिए। और आप एक बार दोबारा से बताइए आप कितने बजे आए थे रात को या करोल बाग में, और फिर उसके बाद सुबह कितने बजे? हम रात को 1:30 बजे आए थे करोल बाग में देहरादून से, और सुबह 8:30 बजे से पहले 8:15 बजे तक हम यहाँ पर आ गए थे और तब से लेके अभी तक हम यहीं पर हैं। टाइम हो रहा है अभी 9:50, तो आप जाके गाड़ी कंप्लीट है, क्योंकि एक बाइक में दो बाइक है, एक ये और एक वो पीछे है, उसका वीडियो मिलेगा आपको अलग, इसका वीडियो मिलेगा आपको अलग, क्योंकि सेपरेट वीडियो काफ़ी लंबा हो, यही है वो भी काफ़ी लंबा होगा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं चाहता नहीं, तो इसलिए ऑल ओवर भी आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। कोई आना चाहे ऑल इंडिया से तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? कि राजू भाई के पास आइए, इधर उधर नहीं जाइए, SKD दिल्ली गूगल मैप पर सर्च करिए और यहाँ पर आप जब बोलेंगे वो तब आ जाते हैं, आप 8:00 बजे, वैसे उनका टाइम 9:30 बजे का है लेकिन आप अगर 8:00 बजे बोलोगे तो वो 8:00 बजे भी आ जाएंगे और 8:30 बजे बोलोगे, जितने बजे आप बोलोगे आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि देखो आप लोग इतनी दूर से आते हो, आप लोग समय निकालने के लिए कि भैया अगर सवेरे नहीं आते हम जल्दी लेट होते तो भैया थोड़ा हो सकता है और डिले हो जाते भैया, बेशक रात को रुके ना रुके इनकी मर्जी है, बट हम चाहते हैं एक दिन में गाड़ी कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, जो कि हो चुकी है तो ये हमारा फ़र्ज था हम जल्दी आने का, तो मैं खुद ही उस पर एक्शन लेता हूँ कि भैया मुझे ही जाना है, कोई आए ना आए स्टाफ मुझे उसके लिए, मैं खुद यहाँ पर एट प्रेजेंट होता हूँ, बाकी कुछ हमारे स्टाफ भी अच्छा है जो साथ आ जाता है हमारे, बहुत अच्छा है तो चलो ऑल अबाउट स्टाफ अच्छा है, हम अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, ये अच्छे हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छी है, तो वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना आपके अपने राजू भाई SKD को, यूट्यूब पर मिलेगा सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी, तो कृपया करके वीडियो चले तो मेरे को कमेंट कर बताओ सही यार कैसा लगता है, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों से यार कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और सब्सक्राइब बटन दबाते नहीं यार ऐसे देख के निकल जाते हो, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए सुबह से लेकर रात तक, कल तो नहीं कह रहा भैया? बिल्कुल करना ज़रूरी है, प्लीज़ करो यार, और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री, गुड बाय।